सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो साहब, मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल। क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है, लिहाजा अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर वर्मा, जी कहिए। मैं CBI ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी, इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ताज्जुब है आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? CA मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप, और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी और कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पर रहम कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज, आप जाइए प्लीज, मैडम हम पर रहम खाइए। बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। CM का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाई? SP वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच। मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूं, वरना
बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर, हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी इतनी पावर तुम्हारे पास है ना, इतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके ना किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं तो अपने आप को कानूनी दावपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। दिमाग खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का, वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, वो इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी ये कि बाघ मारे नहीं उसे मारा है? सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सड़ा खामोश, बहुत बोल ली तू, अब मेरी बात सुन। तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। नाउ गेट आउट। आई विल गेट आउट बट आई विल ऑल्सो गेट यू हैंग्ड फॉर दिस। Challenge.